सैम पित्रोदा का विवादों से है पुराना नाता, कई बार कराई कांग्रेस की फजीहत, अब कांग्रेस से दिया इस्तीफा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें वे भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पित्रोदा पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से करते नजर आए। इसको लेकर कांग्रेस अब निशाने पर है, हालांकि पार्टी ने पित्रोदा के बयान से हमेशा की तरह किनारा कर लिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बयानबाजी कर घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसकी जानकारी खुद पार्टी के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार लिया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने कांग्रेस की फजीहत कराई हो, कोई विवादित बयान आया हो। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। क्या क्या रहे वो विवादित बयान आपको बताते। सबसे पहले आपको बताते हैं वो बयान जो कि था विरासत कर। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने विरासत कर के बारे में बात करके विवाद खड़ा किया था, जिसे भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। पित्रोदा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपदा के पुनः वितरण के मुद्दे पर बात करते हुए अमेरिका में विरासत कर का उल्लेख किया था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। 6 अप्रैल 2019 का आपको वो वाक्य बताते हैं जब मध्यम वर्ग को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, ऐसी बात कही थी पित्रोदा ने। उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई थी। पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मध्य वर्ग पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डालेगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर एक बयान देकर पित्रोदा वहां भी फंसे। दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी रहे पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा था, अब क्या है 1984 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। कांग्रेस को इस बयान से भी किनारा करना पड़ा और पित्रोदा को माफी मांगनी पड़ी। आपको बालाकोट वाला वो वाक्य बताते हैं। पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों मिले। एक और चर्चित आपको उनका विवादित बयान बताते हैं। 6 जून 2018 का दिन था, राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं हो रही, हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब ये थे वो तमाम विवादित बयान जिन्होंने कांग्रेस को चुनाव में कमजोर किया, पार्टी को कमजोर किया और सैम पित्रोदा अब इस्तीफा देकर किनारा हो लिया।